तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में सारे कॉन्टैक्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हो, अर्थात एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। अर्थात मैं इस लाल वाले फ़ोन में जितना भी कॉन्टैक्ट है पूरा लिस्ट में इस फ़ोन में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इस मोबाइल को ओपन करके दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस मोबाइल के कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ मुझे कंप्लीट कॉन्टैक्ट लिस्ट मिल जाता है। अब इस फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट सेव किए गए हैं इन सबको मैं इस फ़ोन में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो आपको पूरा समझना है, पूरा देखना है। अगर आप प्रोसेस बीच में कहीं पे स्किप कर देते हो तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी और आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स को ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आप वीडियो पूरा देखो, लास्ट तक देखो बिना स्किप किए, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए और आपका काम आसानी से हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको कॉन्टैक्ट ऐप ओपन कर लेना है, जैसा कि मैंने ओपन किया हुआ है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट ऐप के लिए सेटिंग मिलता है। कॉन्टैक्ट ऐप के लिए सेटिंग पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट को सबसे पहले एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के लिए इस पर टैप करना है और आपको अपने कॉन्टैक्ट को एक्सपोर्ट कर लेना है अपने स्टोरेज में, एक्सपोर्ट टू स्टोरेज, अर्थात इस फ़ोन के स्टोरेज में आपको एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक इस नाम से फाइल एक्सपोर्ट होगा, 0002.vcf। तो .vcf एक्सटेंशन का फाइल आपका एक्सपोर्ट होगा और कहाँ पे एक्सपोर्ट होगा, एक्सटर्नल स्टोरेज में, डाउनलोड फोल्डर में। तो सिंपली यहाँ पे मुझे ओके कर देना है। तो देख सकते हो एक्सपोर्ट हो चुका है। तो एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन में भी एक्सपोर्टेड फाइल को देख सकता हूँ। अब क्या करना है, आपको इसी फ़ोन में सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल पे जाके सर्च करना है कॉन्टैक्ट्स। गूगल पे जाके कॉन्टैक्ट्स सर्च करने के बाद आपको ये दिखेगा गूगल कॉन्टैक्ट्स, ये वेबसाइट, सिंपली इसको ओपन कर लेना है। गूगल कॉन्टैक्ट्स वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इसका मोबाइल ऐप यूज़ करने के लिए बोला जाएगा। मैं यहाँ पे स्टे ऑन वेब कर देता हूँ, अर्थात गूगल पे ही इसको यूज़ करना है, ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाहता। अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना है जिस पे आप अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को सेव करना चाहते हो और उसका बैकअप बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं एक ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अपने प्रोफाइल पे टैप करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल ईमेल आईडी मेरे मोबाइल में ऐड किया हुआ है। तो जिस भी ईमेल आईडी पे आपको अपने कॉन्टैक्ट्स का बैकअप बनाना हुआ, सेव करना हुआ, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं ये लास्ट वाला ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ, karankumar.ak31@gmail.com। सिंपली मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस जीमेल आईडी के साथ मेरा कॉन्टैक्ट वेबसाइट ओपन हो जाता है, स्टे ऑन वेब। अब यहाँ पे आपने जो भी कॉन्टैक्ट को डायलर ऐप से एक्सपोर्ट किया है यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के लिए या तो आप इस 3 लाइन पे टैप करोगे और यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर अगर आपने अभी तक कोई भी कॉन्टैक्ट इस जीमेल आईडी के साथ सेव नहीं किया हुआ होगा तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इस पे टैप करना है और जो भी फाइल आपने एक्सपोर्ट किया था .vcf फाइल, उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं स्टोरेज से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये .vcf फाइल दिख जाता है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इंपोर्ट पे टैप कर देना है। इस तरह से आपका .vcf फाइल आपके जीमेल पे बैकअप हो रहा, सेव हो रहा। देख सकते हो सारे कॉन्टैक्ट का लिस्ट यहाँ पे मुझे शो हो जाता है इंपोर्ट करने के बाद। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के डायलर ऐप से कॉन्टैक्ट्स को एक्सपोर्ट कर लेना है .vcf फाइल में और क्रोम ब्राउजर में जा करके contacts.google.com ये वेबसाइट ओपन कर लेना है और किसी भी जीमेल आईडी पे सारे कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपका कॉन्टैक्ट का बैकअप हो जाता है। अब बात ये आती है कि कैसे हम इसको इस मोबाइल में ट्रांसफ़र करेंगे, तो अब इस चीज़ को समझते हैं। तो अब जिस भी जीमेल आईडी पे आपने कॉन्टैक्ट्स का बैकअप लिया है, इंपोर्ट किया है सारे कॉन्टैक्ट को, उस जीमेल आईडी को आपको अपने नए फ़ोन में ऐड कर लेना है। इसके लिए आपको जीमेल ऐप ओपन करना है। यहाँ पर मैंने जीमेल ऐप ओपन कर लिया। जीमेल ऐप को ओपन करने के बाद टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल दिखेगा, इस पे टैप करना है। प्रोफाइल पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड अनदर अकाउंट दिखेगा, सिंपली इस पे टैप करना है और उस जीमेल आईडी को इस फ़ोन में साइन इन कर लेना है जिसमें आपने कॉन्टैक्ट्स को एक्सपोर्ट करके बैकअप लिया था। तो यहाँ पे आपको गूगल सेलेक्ट करना है। गूगल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी इंटर कर देना है, एग्जैक्टली ये वाला ईमेल आईडी इंटर करना है जिसमें बैकअप लिया है। ईमेल आईडी आप प्रोफाइल पे टैप करके देख भी सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जीमेल आईडी टाइप कर दिया, अब मुझे नेक्स्ट पे टैप करना है। यहाँ पर मुझे उस जीमेल आईडी का पासवर्ड भी इंटर करना होगा साइन इन करने के लिए।
तो अगर आपको जीमेल आईडी का पासवर्ड पता नहीं है तो आप मेरा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप बिना रिकवरी ईमेल आईडी और रिकवरी मोबाइल नंबर के जीमेल का पासवर्ड पता कर सकते हो उसको रीसेट करके। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। तो पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है, नीचे स्क्रॉल करना है, यस आई एम इन पे टैप करना है, एग्री कर लेना है गूगल के टर्म्स ऑफ सर्विस को। अब यहाँ पे सक्सेसफुली मेरा जीमेल आईडी इस मोबाइल में साइन इन हो चुका है। अगर मैं उस जीमेल आईडी को यहाँ पे प्रोफाइल पे टैप करके दिखाऊं तो यहाँ पे मुझे एडेड मिल जाता है। अब आगे कॉन्टेक्ट कैसे आएगा आपको इस फोन में ये बात करते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो मैंने कॉन्टेक्ट ऐप ओपन किया तो सिंपली मुझे देखने को मिल जाता है वही कॉन्टेक्ट लिस्ट जो कि मेरा इस फोन में था। आप हूबहू सारा नाम देख सकते हो जो यहाँ पे नाम है वही यहाँ पे नाम है। अभी धीरे धीरे और इम्पोर्ट हो रहा। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स नहीं देखने को मिलता है तो मेक श्योर कि यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है ऑल कॉन्टैक्ट्स के ऊपर। इसके लिए आपको इस पे टैप करना है। यहाँ पे आप चाहो तो केवल इस डिवाइस में सेव्ड कॉन्टैक्ट्स को देख सकते हो या फिर किसी स्पेसिफिक गूगल अकाउंट के कॉन्टैक्ट्स को देख सकते हो, अर्थात डायलर ऐप में शो करा सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑल पे सेलेक्ट करके रखना है और इस तरह से आपका देख सकते हो अभी भी रिफ्रेश हो रहा और सारा कॉन्टैक्ट यहाँ पे इम्पोर्ट हो रहा मेरे दूसरे फोन से।